मिल जाए तो मज़ा आ जाता है ना, जैसे हम होटल्स में या शादी पार्टी में खाते हैं। तो उसी के लिए आज मैं बना रही हूँ घर में पनीर टिक्का। ये बिल्कुल बाजार जैसा बहुत टेस्टी बन जाता है घर में, और वही क्रिस्पी टेस्ट। तो आप भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और जानिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स जिससे आप भी बना सकते हैं बाजार जैसा टेस्टी पनीर टिक्का। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ 350 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने पहले ही थोड़े बड़े पीसेज में काट के रखा है। साथ ही मैंने लिया है आधा नींबू और 2 प्याज, जिनको मैंने काट के इसकी कलियाँ अलग कर ली हैं, और एक बड़ा कैप्सिकम है जिसको भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। तो यहाँ मैंने मसाले पहले ही ये तैयार कर लिए हैं। ये है भुना हुआ जीरा, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी, देगी मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। बस मसाले में यही चाहिए हमको, और साथ में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बेसन जिसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है, इसे मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके तैयार रखा है, और सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर तंदूरी टेस्ट चाहिए ना, तो मैरिनेशन के लिए सरसों का तेल ही ज़रूरी होता है। तो बस और साथ में हमें चाहिए 1 कटोरी गाढ़ा दही। ये तकरीबन 100 ग्राम दही है। ये दही मैंने घर में ही गाढ़ा किया है। इसका मैंने नॉर्मल जो दही होता है ना घर में, बस उसको छन्नी में छान के उसका सारा पानी निकाल दिया है, जिससे कि इसमें खट्टास ज़्यादा ना रहे। आप चाहें तो योगर्ट भी ले सकते हैं। तो पहले मैंने ना इस दही को एक बाउल में पूरा खाली कर लिया है, और अब इसी दही में डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये मैंने पेस्ट पहले ही बना के रख लिया है। तो बस 1 चम्मच पेस्ट हमने जिंजर गार्लिक का इसमें डालना है। तो ये भी मैंने डाल दिया है इसमें, और अब इसमें साथ में ही डालेंगे मसाले। बस 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने, और साथ में ही देगी मिर्च। तो बस यहाँ पे भी 1/2 चम्मच देगी मिर्च डाल रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा तेज मसाले नहीं जाते हैं इसमें। तो अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। तो 1 चम्मच चाट मसाला लिया है मैंने छोटी चम्मच से, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ में इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, यहाँ पे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। यहाँ पे खाली तवे में ड्राई रोस्ट कर रखा है जीरे को, और उसके बाद मैंने उसे पीस के रख लिया है। साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी, और इसके साथ ही बस अब इसमें हम ये जो भुना हुआ बेसन था ना, ड्राई रोस्ट बेसन, बस 2 चम्मच ये भुना हुआ बेसन मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। तो नमक के लिए ना थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा नमक ले रही हूँ, बस 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, ये छोटे चम्मच से नमक लिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे ना मस्टर्ड ऑयल को मैंने गरम नहीं किया है, ये रॉ मस्टर्ड ऑयल ही है। और बस 2 चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल देते हैं, और साथ ही मैंने 1/2 नींबू है जिसका मैंने रस निकाल लिया है, तो बस इसको भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ। और बस अब इस मिक्सचर को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और एक इसका ना ये मैरिनेशन हमने तैयार कर लिया है अपने पनीर के लिए और वेजिटेबल्स के लिए। तो अब मैं ना इसमें ये पनीर को डिप करके इसको अच्छे से इसमें रैप करके इनको निकाल देती हूँ। अच्छा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पनीर ना आपका सॉफ्ट हो, फ्रेश पनीर हो, और बहुत ज़्यादा ना पानी वाला ना हो। तो बस इस तरीके से आपने ना सभी पनीर के पीसीस को 1 बाय 1 इसमें डिप करना है, और इसमें सारा मसाला ये लगा के अच्छे से मैरिनेशन को, उसके बाद इसको रख देना है। देखो मैंने ये सारा का सारा लगा दिया है, और इसको अब मैं 1/2 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी। तो 1/2 घंटे इसको हम मैरिनेट करेंगे, और बाकी जो ये सारा मसाला है मेरा, इसमें जो मेरी ये वेजिटेबल्स थी, मैंने प्याज लिया है, कैप्सिकम लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, आप ना मैंने तो यहाँ कैप्सिकम लिया है, आप यहाँ पे येलो पेपर या रेड पेपर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी इसमें डाल के और इसमें तंदूरी में अच्छी लगती है।
तो मैंने ना यहाँ पे एक टमाटर लिया है जिसके मैंने सीड्स रिमूव करके इसको भी मैंने काट के रख लिया है। तो बस इसको भी मैं इसी में मैरिनेट कर दूँगी, साथ में मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने पनीर के साथ सारी वेजिटेबल्स को भी अच्छे से मैरिनेट कर दिया है और अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है और ये सारा पनीर और ये वेजिटेबल्स मैंने फ्रिज में रख दी थी मैरिनेट करके और ये सब अब तैयार हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये स्क्वायर्स लिए हैं मैंने, ये वुडन स्क्वायर्स हैं। आप इसकी जगह आयरन वाले या स्टील वाले स्क्वायर्स भी ले सकते हैं और चाहे तो टूथपिक भी ले सकते हैं। टूथपिक थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, तो ये स्क्वायर्स लेके हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमने एक स्क्वायर में ये टोमेटो लगाना है। तो पहले हम जैसे एक टोमेटो लगा देते हैं, इसको धीरे धीरे से आप इसमें सेट करेंगे और अब इसके ऊपर आप एक अनियन लगा देंगे। तो एक अनियन को भी बहुत आराम से इसके अंदर चले जाता है और थोड़ा सा ना उनके बीच में गैप रखेंगे, एकदम चिपका के नहीं रखना है हमें। अब इसके बाद इसमें लगाएंगे पनीर और बस इस तरीके से हम इसको लगाते जाएंगे, साथ में एक कैप्सिकम। बस इसी तरीके से अब फिर से अगेन उसके पीछे वही टोमेटो, फिर उसके बाद अनियन और इसी तरीके से ना फिर पनीर और फिर कैप्सिकम। इसी तरीके से हम इसको एक स्क्वायर को तैयार कर लेंगे। बस ऐसे ही ना आपने अपने बाकी स्क्वायर्स को भी रेडी कर लेना है और उन पे भी ये सभी वेजिटेबल्स और पनीर लगाने। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 स्क्वायर्स तैयार कर लिए हैं, इनमें सारी वेजिटेबल्स को सेट कर लिया है। अब मैंने गैस में नॉनस्टिक तवा रख दिया है, तो पहले मैं गैस ऑन करके इसको गर्म होने देती हूँ। अब ना इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे अपने ये पनीर टिक्का को सेकने के लिए। तो आप चाहे तो इसे ओवन में भी सेक सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा सा ऊपर से ऑयल ब्रश करना पड़ेगा। और इसमें भी इस तरीके से ऑयल को फैला के हमने पहले इसे अच्छे से गर्म होने देना है। और अब देखिए जैसे ये गर्म हो गया ना, तो मैंने गैस को धीमा कर लिया है और अब मैं इन स्क्वायर्स को इसमें रख देती हूँ। मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ पहले उसे साइड से और बस अब हम इनको इसमें रख देते हैं। तो मैंने अब ये अपने चारों स्क्वायर्स यहाँ पे पैन में रख दिए हैं इकट्ठे। और देखिए कोई भी लंबी चौड़ी मेहनत नहीं है इसमें, बहुत आसानी से ये घर में तैयार हो जाता है। बस देखिए जैसे ये अब एक तरफ से सेकने लगे हैं ना, तो इसको अब पलट के मैं दूसरी तरफ से सेक लूँगी। और ऐसे ही हमने ना थोड़ी थोड़ी देर में, बस एक एक मिनट में इनको घुमाना है। बस ऐसे ही ना इसको चारों तरफ से हमने सेक लेना है। तो देखिए मैंने इनको चारों तरफ से सेक लिया है और अब ना ये जो हमारे पास जाली होती है ना जिसमें हम भरते वाला बैंगन को भूनते हैं, इसके ऊपर रख के आपने ना बस 5 सेकंड के लिए एक एक साइड में रखना है और इसको घुमा घुमा के बस इसके ऊपर रख के थोड़ा सा सेक लेना है। तो बस तेज आंच पे इन स्क्वायर्स को रख के बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख के बस इनको ऐसे ही घुमाते रहिए। तो मैंने भी ना यहाँ पे अपने ये चारों स्क्वायर्स को ऐसे ही धीरे धीरे रख के इनको घुमा लिया है। तो इससे ना ये ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाता है, जल सा जाता है और एकदम ना बाज़ार वाला यमी टेस्ट इसमें आने लगता है। तो बस ये देखिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो बस अब क्या करना है आपने, देखिए हो गया ना झट से आपका पनीर टिक्का तैयार। तो बस इसको आप हरी चटनी, प्याज और नींबू के साथ परोस सकते हैं। और ये जब भी आपके घर में कभी मेहमान आए या शाम को कोई स्नैक्स खाने का दिल करे तो आप इसे बना लीजिए और बताइए मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।